वेलकम टू विजय कुमार मैन क्लास में बिल्कुल क्या है। आज हम लेके आए हैं क्लास टेंथ के लिए एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आप पिछले वीडियोस में हमने 12.3 के हमने क्वेश्चन 2 कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और हमने 12.1 भी कर ली है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल विजय कुमार मैन्यू क्लासरूम, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो लिंक्स आपको मिल सके। और ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, भेज दीजिए आपका नाम, क्लास और स्कूल नेम और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन? आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें? क्वेश्चन बोला जो हमारा छायांकित भाग है, हम जो पहले 2 क्वेश्चंस किए वीडियो में उनमें भी हमें यही मिला था कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस चित्र में हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करेंगे। आप दिमाग लड़िए, अपनी सोच से करिए कि देखिए ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और वर्ग की एक सभी साइड्स क्या होती हैं, सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। मतलब ये 14 सेंटीमीटर की तो ये भी 14 सेंटीमीटर की, ये भी 14 सेंटीमीटर की, ये भी 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, और देखो कि यहाँ पर 2 अर्धवृत्त भी हैं। और देखिए अगर ये बराबर है, वर्ग है, तो ये 2 अर्धवृत्त भी बराबर है। अगर ये जुड़ जाए तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, वो भी इक्वल का। ठीक है, तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो 14 का आधा करेंगे तो मतलब ये वाला और ये वाला, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। ऐसे अगर हम करें तो मतलब ये हमारी क्या है, 7, हमारी 7 हो गई। इस अर्धवृत्त की रेडियस त्रिज्या हो गई और 7 इस अर्धवृत्त की भी त्रिज्या हो गई। तो मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर। तो हम वैसे ही करेंगे, हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इन 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दे। अगर हम एक अर्धवृत्त का क्षेत्र भी निकालें तो दोनों का बराबर ही आएगा, क्योंकि त्रिज्या सेम है। अगर त्रिज्या एक सी है तो सर्कल भी एक ही है, उनके एरिया, परिमाप जो भी है, परिधि, सब कुछ इक्वल ही आएगा। क्यों? अगर त्रिज्या अगर बराबर है तो सब कुछ बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम वैसे ही करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं स्क्वेयर का, और क्या माइनस कर दें? 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, जो ये 2 अर्धवृत्त है, ये पहला अर्धवृत्त, ये दूसरा अर्धवृत्त। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप अपनी छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो। क्या होता है, साइड का क्या करना होता है, हमें स्क्वेयर करना होता है। साइड मतलब हमारी जो ये भुजा है 14 सेंटीमीटर, इसका हमें स्क्वेयर करना है। ठीक है, और 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है। सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आधा अर्ध है, मतलब आधा है, तो इसके आगे आधा लगा देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आ रहा तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो हमारी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, 14 का क्या कर देते हैं स्क्वायर, और माइनस क्या करना है हमें? 1/2 पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही यूज करनी इस क्वेश्चन में, 22/7। और हमारी रेडियस मैंने अभी बताई थी कितनी है, 7 है, तो 7 तो 2 टाइम तो 49 स्क्वायर हो गया। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, देखिए 2 से 11 और ये 7 से 7। ठीक है, तो जगह स्क्वायर कितना होता है? 196। माइनस क्या करें इसमें से? 11 7 79, और सब कुछ तो कट चुका है। अगर मैं 196/77 माइनस करेंगे तो एक बार देखिए, ये 77 तो एक ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, एक ही अर्धवृत्त, हमने तो एक ही अर्धवृत्त लिया है, पर यहाँ पर तो 2 अर्धवृत्त है, मतलब इसमें 77 में 77 और जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना है, एक का 77 है तो दूसरे का भी 77 ही होगा, क्योंकि त्रिज्या सेम थी, तो 77 प्लस कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना होगा, 196 से कितने माइनस करेंगे हम? 77 और 77 कितने हो गए? 154, और ये कितना आ गया? अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट कितनी होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया हमारा? जो इसे हमने क्या किया था, एक वर्ग, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसमें से क्या माइनस कर दिया? हमारे 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम क्वेरी लिखिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सुलझा सके। वी वैल्यू योर फीडबैक। दिस इज अमित वर्मा।